आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो चलिए देखते हैं, स्तंभ एक और दो में क्या दिया गया है। स्तंभ एक में ए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो है यह क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोस्ट्रिडियम और आगे की ओर है ब्यूटाइलिकम, तो यहाँ लिख लेते हैं ब्यूटाइलिकम। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो है यह एक जीवाणु है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं यह क्या है, यह एक जीवाणु है और इस जीवाणु का उपयोग जो है किया जाता है ब्यूटीरिक अम्ल के उत्पादन में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका उपयोग जो है ब्यूटीरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर ब्यूटीरिक अम्ल का उत्पादन इस जीवाणु के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो देख सकते हैं ए पॉइंट जो है यह दूसरे पॉइंट से मैच करता है जहां दिया गया है ब्यूटीरिक अम्ल, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दो। अब देखते हैं बी पॉइंट को, बी में दिया गया है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो यदि हम बात करें ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम की, तो हमने ए को देख लिया है, अब हम देखेंगे बी को। यहाँ है ट्राइकोडर्मा, तो लिख लेते हैं सबसे पहले ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो लिख लेंगे पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है यह एक कवक है और इसका उपयोग किया जाता है एक जैव सक्रिय अणु के उत्पादन में जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, तो लिख लेते हैं इसका उपयोग जो है साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसका उपयोग जो है प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रतिरक्षा निरोधक, अर्थात प्रतिरक्षा को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अंग प्रत्यारोपण जब किया जाता है तब इसका उपयोग जो है प्रतिरक्षा को कम करने के लिए, उसका निरोधन के लिए किया जाता है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है यह जो कवक है इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में किया जाता है। तो देख सकते हैं यह हमारा बी पॉइंट जो है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये मैच करता है साइक्लोस्पोरिन ए से, पहले पॉइंट से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके आगे की ओर यह पहले पॉइंट से मैच करता है। आगे की ओर हम देखते हैं हमारे पास सी पॉइंट दिया गया है यहाँ पर मोनास्कस परप्यूरियस, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे सी पॉइंट है हमारे पास मोनास्कस, तो इसका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले पूरा नाम, तो ये पूरा नाम है मोनास्कस और आगे की ओर दिया गया है परप्यूरियस, तो यहाँ हम लिख लेंगे परप्यूरियस, तो लिख लेते हैं परप्यूरियस। तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है यह भी एक कवक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह भी एक कवक है और इसका उपयोग किया जाता है स्टेटिन के उत्पादन में, तो इससे प्राप्त होता है स्टेटिन जो कि रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में उपयोग किया जाता है। तो यह क्या करता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो लिख लेते हैं कम करता है। तो मोनास्कस परप्यूरियस का उपयोग जो है व्यापारिक स्तर पर स्टेटिन के उत्पादन में किया जाता है। तो यह जो सी पॉइंट दिया गया है मोनास्कस परप्यूरियस, तो यह मैच कर रहा है चौथे पॉइंट से रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक जो कि होता है स्टेटिन, इसका उत्पादन जो है मोनास्कस परप्यूरियस द्वारा किया जाता है। तो इसके आगे हम नंबर चार लिख लेते हैं। अब आगे की ओर हमारे पास डी पॉइंट दिया गया है एस्परजिलस नाइगर। अब एस्परजिलस नाइगर जो है इसका उपयोग जो है व्यापारिक स्तर पर सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, तो लिख लेते हैं यह सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। अब एस्परजिलस नाइगर जो है यह एक कवक है जो कि व्यापारिक स्तर पर जिसका उपयोग जो है व्यापारिक स्तर पर सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, तो यह मैच कर रहा है, देख सकते हैं यह तीसरे पॉइंट से मैच करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो ये हमारा उत्तर होगा ए जो है दूसरे से मैच कर रहा है, बी जो है पहले से
और सी जो है चौथे से, और डी जो है ये तीसरे पॉइंट से मैच करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें ए को दूसरे से मैच कर रखा है जो कि बिल्कुल सही है, बी को पहले से मैच कर रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है, सी को चौथे से मैच कर रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है, और डी को तीसरे से मैच कर रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें ए को पहले से मैच कर रखा है जबकि ए जो है यह दूसरे से मैच होता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें ए को चौथे से मैच कर रखा है जबकि ए जो है यह दूसरे से मैच होता है, स्तंभ दो का चौथा पॉइंट जो है यह सी से मैच होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है, इसमें ए को तीसरे से मैच कर रखा है जबकि ए जो है यह दूसरे से मैच होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।